Good welcome students in second part of electrochemistry. Now second part पर हम लोग include कर रहे हैं क्या क्या आपको बता दें electrochemical series, cell, हम लोग cell कैसे बनाते हैं, कितने type के होते हैं, and thermodynamics of the redox reaction, that is cell, because cell functioning is also redox reaction. Let us start. लास्ट टर्म पे पहले आप एक रीकैप ले लीजिए. मैंने आपको बताया क्या था, मैंने आपको बताया था रिडॉक्स. रिडॉक्स दो तरह का, एक तो होता था डायरेक्ट और दूसरा था इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल क्या था, इलेक्ट्रोड था. इलेक्ट्रोड और इससे रिलेटेड यानी इलेक्ट्रोड्स के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है. ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट कि इलेक्ट्रोड. यहां पर नेक्स्ट चीज आपने सीख लिया था मैंने ख्याल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने वो भी सीख लिया. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेजर करते हैं और आपको ई के साथ में ई डॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि मेटल के या सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है. वी हैव लर्नड अबाउट ऑल दीस थिंग्स. नाउ ये रिप्ले हो गया आपका प्रीवियस लेक्चर का. इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि एलिमेंट चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स स्टैंडर्ड कंडीशन में यूनिक होते हैं. एंड व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स और रेडिकल्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट विल बी ए सीरीज ऑब्टेंड विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. मैंने शॉर्ट में आपको ECS लिखा है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जी हाँ बहुत ही काम की चीज है. एक्टिविटी आपने मेटल्स के लिए पढ़ा था एक्टिविटी सीरीज क्योंकि ये डायरेक्टली जो है मेटल या नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को भी डिस्क्राइब करता है. ठीक है, हाँ एक और चीज आपको भूलना नहीं है क्या कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मे बी ड्यू टू ऑक्सीडेशन दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और मे बी ड्यू टू रिडक्शन दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल. मैंने आपको ये भी बता दिया था कि व्हाट विल बी कॉल्ड एज व्हाट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो आईयूपीएससी हैज डिसाइडेड कि आईयू क्या आप बोलोगे रिडक्शन पोटेंशियल को बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो सीरीज बना रहे यानी वो सीरीज हम आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बना रहे उसके लिए चालाकी आपको ये करनी है. मैंने सिर्फ जानबूझ के ऐसा इसलिए किया है कि मेटल्स से आपका बहुत कुछ लेना देना होता है व्हाइल फॉर्मिंग अ सेल जो कि फ्यूचर में आपको पढ़ना है. ठीक है, चलिए हम मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज लेते हैं. तो Li, Cs, Fr, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H. Now Bi, As, Cu, I2 means I minus से I2 बने, Ag, Hg, Br minus से Br2, Br2. ठीक है, तो ये क्या हुआ Bi, As, Cu, I2, Ag, Hg, Br2, Pt, Cl2, OH minus, SO4 2 minus, AU and F minus 2 F2. ये जो सीरीज हमने बनाई है वो इज बहुत ही आसानी से आपको याद करने के लिए और इसके प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए बनाए. पॉसिबल है कि आप किसी भी बुक में जाए इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बुक में जाए एनसीईआरटी में जाए तो सीरीज मे हैव स्टार्ट फ्रॉम फ्लोरीन और टॉप वहां पर बॉटम में क्या दिया हो लिथियम दिया हो. बात देखी है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर मैं अगर अरेंज कर रहे हैं जो सीरीज ऑब्टेन होगी उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं. हमने यहाँ पर क्या किया है कि जब हम नीचे चलते हैं इसमें चलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज. डिक्रीज के लिए हम सीधे सीधे यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है. इसका मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल खुद ही आप मान लीजिए क्या होगा इंक्रीज कर रहा होगा. और मैंने आपको पहले ही बता दिया रिडक्शन पोटेंशियल इज आल्सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी आपकी सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है
इंक्रीज हो रहा है जो हमने सीरीज बनाई है, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का होगा और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्लोरीन का होगा। इसका मतलब यह है कि लिथियम में सबसे ज्यादा टेंडेंसी है किसमें, ऑक्सीडेशन में जाने की, और जिसमें ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है वो क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट एक बात ध्यान रखिए, कंपटीशन में भी कई बार क्वेश्चन आए, कई बार इस तरह से पेपर सेट होता कि रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कुछ और हो जाएगा, लेकिन अब भी आप इतना समझे कि अगर आपसे मैं कहूं स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट, सो दिस इज एलआई लिथियम केमिकल, क्योंकि मैं अभी आपको जब सेल का कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो आपको नेक्स्ट थिंग और भी क्लियर हो जाएगी, उसके लिए आपको अगला वीडियो या इसी वीडियो में एंड तक देखना होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम है, यानी ये ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है जिसके ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। और अगर आपसे मैं बोलूं स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता चली। सो इस सीरीज से आपको क्या कंफर्म होने वाला है, इस सीरीज से आपको कंफर्म होगा कि कौन किसके ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है और किसके रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। इस सीरीज से एक दूसरा बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप सारे मेटल्स को ले, तो मेटल्स को जब आपने ले लिया तो मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, मींस इस अपनी सीरीज में एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, इसका मतलब कि एक्टिविटी ऑफ मेटल्स में क्या क्या शामिल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, एक्टिविटी ऑफ मेटल में शामिल है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये सब चीजें जो है वो डिक्रीज करेंगी एक्टिविटी ऑफ मेटल अपनी वाली इस सीरीज में। माइंड इट, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अपनी वाली सीरीज में एक्टिविटी ऑफ द मेटल विल डिक्रीज। इन सेम वे अगर हम नॉन मेटल की बात कर लें तो नॉन मेटल्स का क्या होता है भाई, रिडक्शन, तो उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है और रिडक्शन पोटेंशियल नीचे वाले का ज्यादा है। तो अपनी सीरीज में अगर आपसे एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल हमने कहा, तो एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर से, और इसके लिए हमको आप देखना क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो इसका मतलब कि ये सारी चीजें वो क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी। फिर से मैं आपको बता दूं, when the elements or radicals have been arranged in increasing or decreasing order of their electrode potential, the series so obtained is called as electrochemical series. Since this series is directly related with activity of element or radical, so this is also called as activity series. In this present series, जो उसको मैंने बनाया है जिसमें मेटल को टॉप पे रखा है और नॉन मेटल को नीचे रखा है, जहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यहां पर जो नीचे की मेटल है उसकी रिएक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम होगा और ऊपर वाले का ज्यादा होगा। नेवर टू कंफ्यूज विद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर एक की वैल्यू पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सो ये आपको एक सीरीज मिली जिससे आप आगे फ्यूचर में सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें हेल्प मिल जाएगा, ये आप इस चीज को रेडी कर लीजिए। दूसरा, इसके और बहुत सारे एप्लीकेशन है एक्टिविटी सीरीज की। एक्टिविटी सीरीज के लिए मैंने एक तो पहले ये बता दिया मेटल और नॉन मेटल की एक्टिविटी क्या होगी, फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट, चलिए कुछ पोर्शन इसका हम मिटा देते हैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन भी करना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये इसमें आपको इस सीरीज से काफी हेल्प मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या, जो जैसे मान लीजिए आपने कहा
कि मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में देखिए भाई, मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो ऊपर मेटल है उसके ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, मींस कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं जो लोअर मेटल का साल्ट मौजूद है और अपर वाली मेटल से रिएक्शन करेगा तो उसको डिस्प्लेस कर देने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जिंक को अगर एक्वस कॉपर सल्फेट, ये वाला जो वहां पर मैं एक डायरेक्ट रिडॉक्स का एग्जांपल बता रहा था, होने वाली ये रिएक्शन या नहीं, जिंक प्लस CuSO4 इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu, मींस Zn जीरो ऑक्सीडेशन से प्लस टू ऑक्सीडेशन में चला गया, इसलिए चला गया, कॉपर को प्लस टू से जीरो में पुश कर दिया, वो इसलिए कर दिया क्योंकि कॉपर वीकर है, उसकी एक्टिविटी कम है, सो मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में आ जाओ, ये भी बात वही, क्या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब नॉन मेटल भी वही चीज अप्लाई होती है क्या, जो स्ट्रॉन्गर है वो वीकर को डिस्प्लेस करने वाली, पर याद रखिए नॉन मेटल कौन, जो नीचे प्लेस्ड है लोअर वैल्यू में, लोअर पोजीशन पे जो प्लेस्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कि मान लीजिए आपने एक रिएक्शन लिखा और वो रिएक्शन मैं आपको लिख दूं क्या, कि आपके पास NaI है प्लस Br2, तो ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन कम रिएक्टिव है, यानी कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ब्रोमीन का ज्यादा है और आयोडीन का कम है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि बैलेंस कर लिया 2NaI, सो इट विल फॉर्म 2NaBr+I2 बिकॉज ब्रोमीन हैज बीन प्लेस्ड लोअर। यहां पर जो जिंक था वो कौन मेटल, कौन सा जो अपर पोजीशन पाया है वो, और नॉन मेटल कौन सी रिएक्टिव है जो कि लोअर पोजीशन पाई है। अगर आपसे मैं आपको फिर से एक रिएक्शन बताऊं, मैं कह दूं नहीं Cl2+2NaBr, सो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो ये क्या बना लेगा 2NaCl+Br2। अगर आपसे मैं कह दूं नहीं I2+2NaCl, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होने जा रही है क्योंकि आयोडीन ऑलरेडी वीक है और ये अपर पोजीशन है, लोअर पोजीशन नहीं है क्लोरीन से, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही चलिए एक और बता दें, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। जो तीसरा एप्लीकेशन हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, वो क्या है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। क्या है भाई हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज पढ़ाई वहां पर हाइड्रोजन HI LiCl Fe Cl Mg Al Mn Zn Cr Fe Co Co Ni Sn Pb H, और H से नीचे आता है Cu, H से नीचे आता है Ag, H से नीचे आता है Pt, H से नीचे आता है Au। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है, मैं फिर बताऊं अपनी सीरीज, क्योंकि ये सीरीज चेंज हो रही है, कहीं किसी बुक में मैंने बताया कि जो आपका अपवर्ड लिखा है वो डाउनवर्ड हो सकता है, इस अपनी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, और इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस किससे, वाटर से या फिर एल्कोहल से या फिर एसिड से, किसी से भी हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। फिर से बात को समराइज कर लीजिए, द मेटल्स प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम वाटर, एल्कोहल, एसिड और एनी अदर प्रोटॉन सोर्स। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे आपने कहा नहीं हमको रिएक्शन चाहिए Na+HCl, तो ये 2Na 2HCl, तो यहां पर 2NaCl+H2 ये रिएक्शन होने जा रही है। अगर आपसे कहा जाए नहीं 2Ba+H2SO4 रिएक्शन होगी, BaSO4+H2, फिर आपने कहा नहीं हमको रिएक्शन कराना है Li
2Li plus 2H2O balanced state solution है, तो ये reaction होगी, क्या हो गया, 2LiOH plus H2, अगर आपने कहा ने Mg और H2O से reaction हुई, तो यहाँ पर ये MgO, magnesium का hydroxide जो है, वो MgOH twice, ये precipitate, finally you can say, in dry condition में MgO बना, plus H2, ये बनेगा, iron ने reaction की, तो यहाँ पर Fe plus H2O, अब देखें, यहाँ पर आपको steam use करना पड़ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे नीचे आते हैं, water से reaction की tendency decrease करती है, आपने देखा sodium जो है वो पानी में भी आग लगा लेता, पर iron steam की condition में लेंगे, तभी ये reaction करता है, और reaction is also reversible, 3Fe, 4H2O, ये जो है Fe3 और 4 बना देगा प्लस 4H2 निकलेगी, लेकिन अगर आपने कहा कि आप Cu प्लस H2O तो ये रिएक्शन नहीं होने जा रही, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन नहीं होने जा रहा, सो आपको हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको तीन टाइप की इसका एप्लीकेशन बता दिया कि क्या मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फर्दर यूज कर लेते हैं, फर्दर यूज का मतलब क्या कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अलावा आगे क्या कर सकते हैं, सेल, मतलब कि आप अगला जो है इसका एप्लीकेशन फीजिबिलिटी ऑफ सेल यहां भी पहुंच सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, अब आप अपनी इसमें ध्यान दे लेंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल अपनी सीरीज में कौन है, जो ऊपर प्लेस्ड है वही हमेशा क्या बनाने वाली है, एनोड, माइंड रखिए आगे आपको सेल पढ़ाने चल रहे हैं जहां पे बताएंगे एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक, मोर रिएक्टिव मेटल का मतलब कौन, अपनी सीरीज में ऊपर, और जो लेस रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो क्या बनाने वाला है, वो कैथोड बनाने वाली है, और तभी इसका जो E नॉट ऑफ द सेल वो पॉजिटिव आएगा और ये फीजिबल कंडीशन कहा जाएगा, यानी इसका ऐसा सेल बन सकता है जिसे नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, सो फीजिबिलिटी ऑफ द सेल मींस क्या सेल बन सकता है या नहीं बन सकता है, अगर एक सक्सेसफुल सेल बनाना है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, कैथोड पर रिडक्शन होना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, यानी कि अपनी सीरीज में जो मेटल ऊपर रखी है उसका हमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया, और अपनी सीरीज में जो मेटल नीचे है उसका हम लोगों ने क्या किया, कैथोड बना दिया, ठीक, ओवरऑल ई नॉट सेल पॉजिटिव, मानते हैं थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी हमने सेल आपको पढ़ाया ही कहा है जिससे कि ये चीजें क्लियर हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन हो गए भाई किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो लास्ट टर्म पे मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक पढ़ाया था, उसके बाद में हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को हम लोगों ने अरेंज कर दिया और जो सीरीज मिली वो डायरेक्टली उसकी रिएक्टिविटी उन एलिमेंट्स की, नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स